लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल होगा ऐलान। चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा विस्तृत जानकारी। ईसीआई ने आधिकारिक जानकारी सोशल मीडिया पर की साझा। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर कमी से उपभोक्ताओं में खुशी। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू। हरियाणा में अब पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 87.54 रुपए। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात। कहा, केंद्र सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियों से गरीबों का किया उत्थान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना का दौरा। कन्याकुमारी में जनसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, तमिलनाडु की धरती पर बड़े परिवर्तन की आहट। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग कल लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देगा। इसके लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण किया जाएगा। 2024 के आम चुनाव के साथ साथ कुछ राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा करने की जानकारी दी है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि बीते दिन ही नए चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार संभाल लिया है। वहीं मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई की समिति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। विकास सिंह ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कल बुलाई बैठक पर भी सवाल उठाए। वहीं जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोर्ट आमतौर पर इस तरह के मामलों में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाती है। कोर्ट अगले सप्ताह मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक सुनवाई टाल दी है। देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी और साथ ही डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ दो पहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। दिल्ली हरियाणा में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रुपए प्रति लीटर, चंडीगढ़ में 94.24 रुपए हो गई है। वहीं दिल्ली में डीजल अब 87.72 रुपए, हरियाणा में 87.54 रुपए, चंडीगढ़ में 82.40 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देशवासियों के हित के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता दर्शाती है। इलेक्शन से पहले रेट कम करने का, और हम काफी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं, तो हमारी तीर्थ यात्रा कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी। हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगेगा। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें किए, तो पेट्रोल की भी बात है, अब पीछे सिलेंडर के भी 100 रुपये महिला डे वाले दिन भी किए थे उन्होंने, और बहुत खुशी की बात है, अच्छा भी लग रहा है। केंद्र सरकार ने जो ये 2 रुपये घटाई है, बहुत अच्छी बात है और काफ़ी राहत देश को मिलेगी। लेकिन मेरा एक कहना है कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर कम करने से कैथल के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। पेट्रोल पंपों पर आए उपभोक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार का ये बहुत ही अच्छा फैसला है और इससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अब पेट्रोल और डीजल के रेट में 2 रुपए प्रति लीटर कम करने और पहले रसोई गैस सिलेंडर में दाम 100 रुपए कम करने से उन्हें काफी लाभ पहुंचेगा। कैथल के पेट्रोल पंप मालिक सुशील बिंदलिश ने कहा कि सरकार ने यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। सरकार का अच्छा कदम है, 2 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल कम होने से टैक्सी वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, ट्रक वालों को, सबको राहत मिलेगी। और जो घरेलू गैस पे 100 रुपये कम किए हैं, उसमें भी गृहणियों को 100 रुपये महीने का एक सिलेंडर तो लगता ही है, कम से कम राहत मिलेगी। और इससे सब्जी वगैरह पे जो भी होता है
खर्चा कम पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के रेट घटेंगे। बहुत अच्छे कदम है मोदी साहब, मोदी जी के आदरणीय प्रधानमंत्री के, 100 रुपये सिलेंडर, गरीब अपनी रोटी सेक सके, बड़ी बहुत अच्छी, छोटा जिम्मेदार गरीब आपका बड़ा फायदा। वरना जी कुछ तो कम होगा जी, जब खर्चा कम होगा साधन का, आगे खरीदार को भी खरीद में कुछ कमी मिलेगी। और बहुत समय से डिमांड थी कि रेट कम होने चाहिए, लेकिन अब जाकर हुए हैं, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, जिस टाइम भी किए ट्रांसपोर्ट का या जो यूज करते हैं, टैक्सी वाला है, ट्रांसपोर्ट वाला है, उनको तो इफेक्ट पड़ेगा ही। अगर उनके लॉस आ रहे थे तो लॉस भी कम होगा उनका। पब्लिक को कोई ट्रांसफ़र कर पाता है, नहीं कर पाता ट्रांसपोर्ट, वो उनका मुद्दा है, लेकिन वैसे एज ए कंज्यूमर जो है पब्लिक को फ़ायदा है ही है। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर गरीब परिवारों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा देश की जनता फैसला ले चुकी है। हरियाणा की जनता भी लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर कमल खिलाकर प्रधानमंत्री की झोली में डालने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात के बाद हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा मिला है, कई विषयों पर चर्चा हुई है। जो उन्होंने काम किए हैं 10 वर्षों में, गरीब व्यक्ति तक जो सरकार पहुंची है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम मजबूती से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के मजबूती से हरियाणा को जो गति विकास की चली है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि सभी को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाया जाए। उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों में जो काम किए हैं, उनसे देश और प्रदेश में नया भारत, नया हरियाणा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा आज लोगों को नजर आ रहा है। सीएम ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के जनसंपर्क अभियान के तहत पहली जनसभा को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में संबोधित किया। इस दौरान मंच पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जहां देश को डिजिटल इंडिया जैसी उपलब्धि दी, वहीं डीएमके और कांग्रेस ने 2G घोटाला दिया। कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर तमिलनाडु की संस्कृति का अपमान करने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाने पर डीएमके ने रोक लगाई थी, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। पीएम ने कहा कि भाजपा ने जल्लीकट्टू पर रोक को हटाने के भी प्रयास किए। उसकी विरासत की भी दुश्मन है। डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को, तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। उन्हें
सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने जलीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली के हजारों रेहड़ी पटरी वालों से रूबरू हुए और 1,00,000 वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन भी बांटा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान हमने रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी है, आपके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना मुश्किल है। पीएम ने कई लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक सौंपे। दिल्ली के साथ साथ कई शहरों से लाखों स्ट्रीट वेंडर्स वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम ने पहले की सरकारों पर रेहड़ी पटरी वालों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। बिना गारंटी ऋण मिलने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिनके पास कोई गारंटी नहीं थी, आज मोदी उनकी गारंटी हैं। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। पीएम ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाना मोदी की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी तब लोग सवाल उठाते थे कि इसका कितना लाभ होगा। पीएम ने कहा कि आज इस योजना से छोटे व्यापार का विस्तार हो रहा है। अभी तक देश के 62,00,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं और अब तक का मेरा अनुभव है समय पर पैसे वो लौटाते हैं और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं बहनें हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। लाजपत नगर, साकिब जी ब्लॉक और इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर से मेट्रो यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर लंबे होंगे। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर व्यापक विमर्श के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिससे मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। इस समिति ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। इस समिति में गृहमंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे भी शामिल रहे। उच्च स्तरीय समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव अपनी इस रिपोर्ट में दिए हैं और समिति ने अपनी सिफारिशें कुछ इस प्रकार से तैयार की हैं कि वे भारत के समक्ष संविधान की भावना के अनुरूप हों और संविधान में कम से कम संशोधन के माध्यम से एक राष्ट्र एक चुनाव को संभव किया जा सके। 191 दिनों तक इस समिति ने इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया और उसके बाद राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। हरियाणा की नायब सरकार की कैबिनेट में कंवरपाल गुज्जर को शामिल किए जाने पर उनके समर्थकों और जगाधरी विधानसभा में खुशी की लहर है। अपने जगाधरी आवास पर
पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गति ऐसे ही चलती रहेगी। जो नीतियां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बनाई और चलाई, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा हरियाणा की 10 सीट पर जीत दर्ज करेगी और केंद्र में 370 सीट जीतकर 400 पार का लक्ष्य हासिल करेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के मंत्रिमंडल में फिर से कैबिनेट मंत्री बने मूलचंद शर्मा का बल्लभगढ़ सेक्टर 2 स्थित अपने कार्यालय पहुंचने पर स्वागत किया गया। इसके अलावा मूलचंद शर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर के ऑफिस पहुंचे और उन्हें टिकट मिलने पर बधाई दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा प्रदेश के लिए चलाई गई जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ लोकसभा के हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को जो टिकट मिली थी, इसी बार उनको बधाई दी है और बल्लभगढ़ के लोगों का भी धन्यवाद किया है कि जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, भारी मतों से कृष्णपाल जी को भारी मतों से चुनाव किया। और दूसरी बात जो मुझे वोट दिलाने का काम किया है, मैं अपने नेतृत्व का हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी का और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का मैं तहे से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और मैं सभी संगठन के सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ जो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के दिखाए हुए रास्ते हैं, जो आम व्यक्ति के हित में उस सब कार्यों को पूरा करेंगे और भरोसे विश्वास के साथ लोगों के बीच शाम को। देश भर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सोलर लगवाने के लिए देश भर में पंजीकरण करवाने का कार्य डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी डाकघर के अधीक्षक संजय वर्मा के नेतृत्व में डाक पंजीकरण का कार्य जोर शोर से किया गया, जिसके चलते भिवानी डाकघर के 5 कर्मचारी देश भर में टॉप रहे हैं। इसके अलावा 30 कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है, उन्हें घंटा घर के डाकघर में सम्मानित किया गया। इस मौके पर डाकघर अधीक्षक संजय वर्मा ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत डाकघर द्वारा प्रदेश भर में 1,00,000 तथा भिवानी जिला में 50,000 पंजीकरण कर्मचारियों द्वारा किए गए। इन पंजीकरण शिविरों में देश भर में 6 अधिकारी टॉप रहे, जिनमें अकेले भिवानी जिला से 5 कर्मचारी टॉप 5 रहे। ये भिवानी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में पार्षदों का भी विशेष सहयोग रहा। योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 9 मार्च से बढ़ाकर 20 मार्च तक कर दी गई है। शनिवार व रविवार को भी भिवानी के सभी 31 वार्डों में शिविर भी लगाए जाएंगे। इस मौके पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए काफी कारगर साबित होगी, जिसे जन जन तक पहुंचाने में डाक विभाग का विशेष योगदान रहा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जो हमारे डाक विभाग के अधिकारियों ने पूरे भारतवर्ष के अंदर मुख्य रूप से 4 जो हमारे सबसे ज्यादा पंजीकरण करने वाले अधिकारी थे, उन्हें 4 अधिकारी हमारे भिवानी के थे, सबसे बड़ी उपलब्धि हमने आज हासिल की है। और पूरे हरियाणा के अंदर जो 1,00,000 पंजीकरण हुआ है, उसके अंदर 50,000 केवल हमारे भिवानी जिले से हुए हैं। ऐसे हमारे अधिकारियों की जो उपलब्धि रही है, उनको पुरस्कृत किया गया है। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहे और मैं मानता हूं कि अन्य कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी बड़े प्रेरणादायक है और वो प्रोत्साहित भी होंगे इस ऐसे कार्यक्रमों से। और डाक विभाग तो सदैव साधारण जनमानस के सहयोग के लिए तत्पर रहता है, सेवा के लिए तत्पर रहता है। ऐसी उपलब्धि उनकी उपलब्धियों में 4 चांद लगाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कल अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए हरियाणा रोडवेज की बस को रवाना किया गया। इस बस को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सतीश नांदल व रोहतक रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के तहत गरीब परिवार के बुजुर्गों को सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराई जाती है। नागरिकों को तीर्थ दर्शन कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई है। वरिष्ठ नागरिक जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, वे इस यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। रोहतक रोडवेज डिपो के महाप्रबंधक भारत भूषण गोगिया ने बताया कि यात्रा के दौरान ठहराव पर खाने पीने का खर्च, रात्रि ठहराव जैसी सभी सुविधाएं यात्रियों को निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो DPRO की तरफ से हेडक्वार्टर से करा गया है और इसके अंदर जो दर्शनार्थी हैं वो भी प्रशासन द्वारा डिसाइड करे गए हैं कि कौन जाएंगे। और ये बस अयोध्या के लिए गई है, कोई फेयर नहीं है, कोई इसमें किराया नहीं है।
और आज इसको चलाया, आगे जैसे हमारे को हेडक्वार्टर से आदेश मिलेंगे उसके बाद आगे करें। गरीब परिवार से अंत्योदया फैमिली है जो जिनका सपना होता है कि हम जाएं और वो जा नहीं पाते, उनके लिए ये प्रिविलेज दिया गया है और पूरे हरियाणा के अंदर है। वहीं बस की यात्रा कर रहे यात्री भी काफी उत्साहित हैं। बस चालक प्रताप ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। भाजपा नेता सतीश नांदल ने सरकार की इस योजना की सराहना की। सम्मान के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना जो सरकार ने क्रियान्वित की है, बहुत ही यह मील का पत्थर साबित हो गई। इससे जो बुजुर्ग आज तक जिन्होंने अपना घर खेत देखा है उसे बाहर निकल करके सरकार द्वारा किए गए आयाम स्थापित उनको देखेंगे, ऐसे ऐसे भव्य इमारत अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि और मंदिर को देख करके अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। सर मैं अयोध्या जा रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत ये अपने जो बुजुर्ग हैं इनको अयोध्या दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं, और गुड़गांव से ये गाड़ी आई है और रोहतक से लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुँचेगी। पिछले दिनों एक ट्रेन में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेन जिसमें 1500, 1600, 2000 आदमी उनके जाने की व्यवस्था, और मुख्यमंत्री तीर्थ योजना तीर्थ स्थानों पे जाना, बुजुर्गों को जाना, सरकार उसका खर्चा वहन करेगी, वहाँ रहने की व्यवस्था है, लोगों ने कर रखी है, भंडारे लगे हुए हैं। और कमाल की बात है, उन भंडारों में रोहतक से 5 एजेंसियाँ 60 दिन के लिए वहाँ पे भंडारे लगा रखे हैं, तो जाने हमारे बुजुर्गों के लिए जाने की व्यवस्था, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था और दर्शन करके आने की व्यवस्था, और रामलला तो सबके हैं। कल पीजीआई चंडीगढ़ में विश्व नींद दिवस पर ऑटो लैरिंगोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने ओसीए के प्रति जागरूक किया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एनके पांडा ने बताया कि खराटे मारना, बैठे बैठे नींद आना और काम में ध्यान नहीं लगना ओसीए के लक्षण हो सकते हैं। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है। ओसीए की वजह से नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जैसे बीपी, डायबिटीज, कार्डियोवैस्क्यूलर और न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। पीजीआई में आने वाले ओसीए के मरीजों में 60-70% मोटापे के शिकार रहते हैं, इसलिए ओसीए के कोई भी लक्षण होने पर अपना चेकअप जरूर करवाएं। वहीं ईएनटी विभाग के डॉक्टर संदीप बंसल ने बताया कि स्लीप स्टडी से बीमारी का समय पर पता लगने से इसका इलाज हो सकता है। ऑफ दीज पेशेंट्स, चाहे वो स्नोरर हों या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के हों, उनका कारण मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है। और ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो ठीक कर सकते हैं हम, जिसको हम रोक सकते हैं। तो हमारी कुछ स्टडीज़ भी हैं, हमने डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम चलाया है जो कि एक डेडिकेटेड कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है जिससे हम मोटापा कम करते हैं या वेट कम कर सकते हैं। और डाइटिंग नहीं करने, उसमें डाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये खाने से क्या नुकसान होगा या नहीं। सो एक वो पूरा साइंटिफिक प्रोग्राम है जो हमने शुरू किया जिससे हमको फ़र्क पड़ता है। पीजीआई में 2017 से स्लीप लैब चल रही है जहां ओसीए मरीजों की स्टडी हो रही है। मरीज पीजीआई के नए ब्लॉक में चौथी मंजिल पर ईएनटी ओपीडी में ओसीए के स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आज चंडीगढ़ में भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर BIS के उप महानिदेशक राजीव पी ने देश में गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन से BIS ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की है। Out of these standards, there are more than 600 standards which Government of India has made mandatory for the manufacturers to get a BIS license before selling in India. It's very important that the manufacturers are aware about the new quality control orders which are being implemented so that they are able to comply with the regulations of the land. As a consumer, it's everybody's right to get the quality of product which will ensure their safety, their health, as well as sustainability of the universe. इस मौके पर पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी निदेशक डॉ. जतिंदर कौर ने सार्वजनिक हित, मानव
पशु या पौधों के स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि को रेखांकित किया। कार्यक्रम में BIS द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए अटल रसोई योजना चलाई जा रही है, जिसमें श्रमिकों के लिए 10 रुपये में खाना दिया जा रहा है। इस योजना के लिए सरकार की तरफ से 25 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। ब्लॉक इंचार्ज हरप्रीत सिंह ने बताया कि ये स्कीम हरियाणा सरकार की श्रम कल्याण बोर्ड की है, जिसमें श्रमिकों के लिए 10 रुपये में सस्ता, अच्छा और स्वच्छ भोजन दिया जाता है। 10 रुपये की इस थाली में 4 रोटी, चावल, सब्जी शामिल है। वहीं इस योजना का लाभ लेने वाले श्रमिकों ने इस योजना की सराहना की है। ये जो स्कीम है सर, ये श्रम कल्याण बोर्ड की है, जो लेबर डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको, हरियाणा सरकार की है। इसमें जो लेबर के जो अपने वो हैं श्रमिक भाई हैं, उनको 10 रुपये में सस्ता भोजन दिया जाता है, जिसमें 4 रोटी है, चावल, सब्जी, दाल, ये मिलता है 10 रुपये। ये कस्टमर से पेड करते हैं, श्रमिक से लेबर से करते हैं, और 25 रुपये सरकार की तरफ से इनको सब्सिडी मिलती है पर प्लेट की, जिसमें 150 रुपये मैक्सिमम इनको, कम से कम 150 रुपये सरकार पेड करती है 25 रुपये के हिसाब से। तो ये 10 रुपये में मिलता है खाना इनको, और अच्छी गुणवत्ता का खाना मिलता है। हम यहाँ 10 रुपये में खाना खा रहे हैं और हमारा पेट अच्छे से भर रहा है। ठीक है जी, स्कीम बढ़िया है, 50 तो बेहतर है, 10 रुपये का खाओ अच्छा है जी। हम तो कह रहे हैं यही रहता है, हम ये कहते हैं जी सरकार का धन्यवाद है जी। इतने तो बहुत बढ़िया है जी, 50 रुपये में भी पेट नहीं भरता, इतने बड़ा बड़ा फुल्का दे देता, 2 बार सब्जी मांगो बोलते पूरे होटल खरीद लेता। यहाँ जो भी खाना मिल रहा बंदे को बहुत बढ़िया खाना मिलता है जी। मैं तो हमेशा ऐसे ही रहे, मजदूर बंदे को थोड़ा सा सहारा हो जाए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत कल हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने नगर निगम के सहयोग से फरीदाबाद में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर रेनू भाटिया ने अन्य अधिकारियों के साथ झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने दुकानदारों को अपनी दुकानों का कूड़ा डस्टबिन में डालने और आसपास सफाई रखने को कहा। रेनू भाटिया ने बताया कि पूरे देश में WCD मिनिस्ट्री की तरफ से 1 से 15 मार्च तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत हरियाणा में 12 से 15 मार्च तक सफाई अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 14 और 15 मार्च को फरीदाबाद की 1 नंबर मार्केट में ये अभियान शुरू किया गया है। आप रखेंगे उतना निरोगी होंगे आप, तो आप अगर निरोगी रहना चाहते हैं तो सफाई रखें। और स्पेशली हमने मार्केट जो NIT 1 की मार्केट है यहाँ से शुरुआत की, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है जो सबसे ज़्यादा कंजस्टेड, सबसे ज़्यादा भीड़ वाली, और सबसे ज़्यादा यहाँ लोग आते हैं और कचरा गंदगी यहाँ ज़्यादा फैलती है। बताने का मकसद ये है कि आप जहाँ भी जाते हैं उस जगह को साफ रखें, चाहे आप मार्केट क्यों ना आए। जगह जगह वेस्ट पेपर बैग्स पड़े हैं, जगह जगह डस्टबिन्स पड़े हैं, जगह जगह हमारे सफाई कर्मचारियों ने अपनी ठेले रेड़ियां खड़ी रखी हैं जिनमें आप कचरा फेंक सकते हैं। तो मैसेज यही है, नीचे कचरा ना फेंक कर आप उन रेड़ियों में, उन डस्टबिन्स में कचरा फेंकें। वहीं इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा ने भी महिला आयोग की चेयरपर्सन द्वारा इस अभियान को चलाए जाने पर उनकी प्रशंसा की और कहा कि यदि हम सफाई रखेंगे तो हम निरोगी रह सकते हैं। ये भी है कि हम अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को साफ रखने में खुद भी मेहनत करें और दूसरों को मेहनत करने के लिए कहें भी सही, क्योंकि जहाँ सफाई रहेगी वहाँ से बीमारी दूर रहेगी, और जहाँ से बीमारी दूर रहेगी वहाँ पर हमेशा तरक्की ही रहेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे और उन्नति रहेगी। मैं पुनः आपके माध्यम से सबसे ही अपील करना चाहता हूँ कि सब अपने घर के बाहर अगर 5 फीट दाएं में और 5 फीट बाएं में झाड़ू मारें, तो ये जो गंदगी की समस्या है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जय हिंद, जय श्री राम। इस दौरान दुकानदारों ने कहा कि वह सभी इस मुहिम में प्रशासन का साथ देंगे और दुकानों से निकलने वाले कचरे को डस्टबिन में डालेंगे। कि आपका जो भी कूड़ा है दुकान का या घर का, उसे डस्टबिन में डालिए और आप बाहर सड़क पे मत डालिए जिससे गंद बसता है। और आप और पड़ोसी को भी ये बोलिए कि कम से कम ये गंद जो सड़कों पे है वो नजर ना आए। जो ये चीज कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रही है रेनू भाटिया जी, का बहुत बहुत हम धन्यवाद। इसका अभियान मतलब पूरे देश में चला जा रहा है, फरीदाबाद ही क्यों पीछे। इनका काम बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा काम है। पहले भी ये पार्षद भी रह चुके हैं, अपने मेयर, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा काम। समाचारों में आज इतना ही, नमस्कार।